क्या आप भी बैठे बैठे हिलाते हैं पैर? हाँ, तो आप खुद बन रहे हैं अपनी मंजिल की बाधा। इस आदत के बारे में पता लगते ही इसे छोड़ देने में ही भलाई, वरना इसके प्रभाव से भविष्य में हो सकते हैं बुरे परिणाम। इस आदत से होगी लक्ष्मी नाराज, घर में सदा रहेगी धन की कमी। सभी लोगों में कुछ ना कुछ आदतें होती हैं, जिसे कुछ अच्छा मानते हैं तो कुछ बुरा। कुछ आदतें ऐसी भी होती हैं जो खुद के साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती हैं। यहाँ हम शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं लोगों की एक ऐसी आदत के बारे में जो व्यक्ति के आचार विचार, उसकी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ उसके भविष्य पर भी प्रभाव डालती है। इन आदतों को अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस आदत के बारे में पता लगते ही इसे छोड़ देने में ही भलाई है, वरना इसके प्रभाव से भविष्य में बुरे परिणाम हो सकते हैं। रात में सोने के पहले या बिस्तर पर लेटे लेटे पैर हिलाना ठीक नहीं माना गया है। पैर हिलाने वाले व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि ये अपने आप से ज्यादा अपने परिजनों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति के नकारात्मक विचारों को ऊर्जा मिलती है, जो सकारात्मक सोच पर हावी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में निराश रहता है। जो व्यक्ति अधिक चिंता में रहता है, उसे पैर हिलाने की आदत हो जाती है। ज्यादातर लोग जिन्हें घर परिवार की अधिक चिंता सताती है, वे सोते समय पैर हिलाते देखे जा सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पूजन, धर्म, कर्म अथवा अन्य किसी धार्मिक कार्य में लगा है, तो खास तौर पर इस दौरान उसे पैर नहीं हिलाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि ऐसा करने से पूजन का पुण्य नहीं मिलता। जानकारों का मानना है कि पैर हिलाने से धन का भी नाश होने लगता है। धन की देवी महालक्ष्मी की कृपा भी ऐसे व्यक्ति पर नहीं बरसती। शास्त्रों में भी इसे अशुभ बताते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये आदत हानिकारक है। पैर हिलाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है। पैरों की नसों पर दबाव पड़ने से नुकसान होता है। इसी का बुरा प्रभाव दिल पर पड़ता है, जिसे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये बीमारी का संकेत है। वे यहाँ तक कहते हैं कि इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस में पैर हिलाने की आदत को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहा जाता है। शोधकर्ता कहते हैं कि अक्सर रात में जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनमें अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें पैर हिलाने की आदत होती है। एक शोध में ये भी सामने आया है कि RLS से पीड़ित लोग नींद न आने से पहले 250 से 300 बार अपना पैर हिला चुके होते हैं। इससे ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट्स पड़ती है, भविष्य में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की सबसे बड़ी वजह बनता है। इन सभी कारणों से इन आदतों को तुरंत ही बदल देना धर्म के साथ साथ स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा है।